उत्तर प्रदेश में 73 सीटों के लिए पहले दौर का मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान को लेकर लोगों में जो उत्साह नजर आया वो देखते ही बनता था। हालांकि मुख्य मुकाबला लोग भाजपा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के बीच ही मान रहे हैं। वे मायावती की बहुजन समाज पार्टी को मुकाबले में ही नहीं मान रहे। आइए जानते हैं कि यूपी की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, यही बता रहे हैं यूपी के मतदाता। जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो पूरा चुनावी माहौल है उसको लेकर? माहौल तो जब रिजल्ट आएंगे तभी मालूम पड़ता है, पर आज की जो स्थिति बताती है वो भाजपा के पूरे पक्ष में है, मोदी जी के पक्ष में है, ये कैंडिडेट के पक्ष में नहीं, मोदी जी के पक्ष में। अच्छा, नहीं डाली। आपको क्यों लगता है ये अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अच्छा काम नहीं कर पाएगा? सवाल ये है कि अखिलेश जी ने वो प्रूव नहीं किया जैसा कहते रहे। उनके एक तो फैमिली डिस्प्यूट्स इतनी रही, वो हमारे को क्या प्रोजेक्शन देंगे। दूसरा, राहुल जी आपको पता है कि हर जगह डूबते जा रहे हैं, हर जगह उन्होंने कांग्रेस का एकदम डुबो के रख दिया है, उनके अंदर कोई लीडरशिप नहीं है। सर, आप तो सैनिक हैं, आपको क्या लगता है ये ओआरओपी को लेके और इसको लेके इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने ठीक निर्णय लिए हैं? देखिए, सवाल ये है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। अगर आप कहेंगे ओआरपी पूरा मिल गया है, पूरा तो नहीं मिला है, पर फिर भी जो कुछ भी दिया उन्होंने, मेरा हर कोई संतुष्ट है। संतुष्ट है, हर कोई संतुष्ट। मैं सिंगापुर से दिल्ली आया, गोकुल गांव में, उधर से अभी वोट देने के मेरे वोट आए, नोएडा देने आया है अभी। सिंगापुर से आप सिर्फ वोट देने आए? सिंगापुर से वापस आए सही टाइम पे, अच्छी बात है। आपको दिक्कत है पैर में, फिर भी व्हील चेयर पे आप वोट देने आई हैं? दो साल से बिस्तर में है। आपको अभी उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति, इसको क्या लगता है, अच्छा है बुरा है? अच्छा होगा जरूर, जो लेगा उन लोग अच्छा लगेगा। अच्छा करेगा, जी आपको क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी संभावनाएं हैं, अखिलेश और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ उसकी, या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए भी कुछ संभावना? दिस इज अ वेरी अनसर्टेन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने गिमिक्स हैं, नोबडी इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अपने चीजें बुराइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है वो छुपाने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को हाईलाइट ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स टू एसर्टेन कि वो किसको कितना सही बात है, कितना गलत बात है। ललिता जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रचार हुआ है उसको लेके क्या सोचती हैं? मैं यही सोचती हूँ कि दो चीज इस मुद्दे में बहुत इम्पोर्टेंट है, एक है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दूसरी महिलाओं की स्थिति। ये दोनों अगर बेटर हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, इतने पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे डिग्रियां मिलकर भी उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। तो एक तो हम यंगस्टर्स को देखना चाहिए, उनको अच्छी नौकरी मिलनी है, और औरतों की स्थिति बुरी है यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो एसपी गवर्नमेंट है बहुत कुछ कर रहा है। तो आपको लगता है बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेहतर कर रही है, बसपा ज्यादा बेहतर? प्रॉमिस तो सब लोग कर रहे हैं। ये जी, क्या माहौल है यहाँ चुनाव का, किस तरह का प्रचार चला अभी तक? तो सबसे ज्यादा बीजेपी और समाजवादी पार्टी का प्रचार चल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो कैसा काम कर रहा है? इस बारे में मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए था। और बसपा का क्या है? बसपा का वैसे नोएडा में काफी क्रेज रहता है, लेकिन इस बार इतना दिखा नहीं पड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को आप क्या समझते हैं, अखिलेश वापिस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे? जो पब्लिसिटी स्टंट किया है उन्होंने, मुझे लगता है हो जाएगा, आ भी सकते हैं, वापिस आ सकते हैं। मेन कॉम्पिटिशन बीजेपी है। मेन कॉम्पिटिशन बीजेपी है।